ये गया कहाँ? ये रहा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चिवावा का प्राइस कितना है इंडिया में, और अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो आपको महीने में कितना खर्चा आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चिवावा के कुछ बेसिक्स के बारे में। चिवावा सबसे छोटी डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 15 से 25 सेंटीमीटर और वेट 2 से 3 केजीज के बीच में होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा डॉग ज्यादा से ज्यादा जिए, बजाय कि उसकी क्या ब्रीड है। लेकिन चिवावा एक्चुअली में 15 से 20 साल तक जीते हैं, जो काफी ज्यादा है दूसरी ब्रीड के कंपैरिजन में। हर डॉग जिन भी लोगों के साथ वो रहता है उसे प्यार करता है। अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि कोई ब्रीड ज्यादा करती है और कोई कम, लेकिन चिवावा के छोटे साइज की वजह से ये फैमिलीज के लिए परफेक्ट कंपेनियन है। इसका मतलब है कि आप जहां मर्जी चाहे रह सकते हैं और एक चिवावा हमेशा खुश रहेगा आपके साथ रहने के लिए। जैसे कि आपका डॉग गर्मी में आइसक्रीम नहीं खरीदने वाला और सर्दी में चाय नहीं बनाने वाला। ये जरूरी है कि आप उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें जहाँ पे वो कंफर्टेबली रह सके। अगर आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे ना ही बहुत ज्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज्यादा ठंड हो, तो वो चिवावा के लिए परफेक्ट है। अगर आप रहते भी हैं तो एयर कंडीशन लगवा सकते हैं। ये ब्रीड किसी अपार्टमेंट में आराम से रह सकती है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप डॉग लें तो आपके घर में किसी तरह की ओपन स्पेस हो। वेल, चिवावा के लिए जरूरी नहीं है। एक बेड से दूसरे बेड पे जाना या पूरा दिन आपके घर में घूमना भी इनके लिए एजिलिटी कोर्स से कम नहीं है। एक चिवावा को लेने के बाद आपको डोरबेल की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये ब्रीड आती है टॉप 10 वॉच डॉग्स के अंदर, जिसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं। तो किसी अननोन पर्सन के बेल बजाने से पहले ही आपके डॉग को पता चल जाएगा और वो अपनी खुद की बेल बजाना शुरू कर देगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, वो बस आपको ये बता रहा है कि कोई आ रहा है। हमारे घर में कई तरह के लोग आते हैं, कुछ कुकर बेचते हैं, कुछ अपना धर्म बेचते हैं। अब एक चिवावा से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हमें गार्ड करेगा। कुछ स्क्रैचेस के अलावा ये कर भी कर सकता है। बाय नेचर चिवावा अननोन पर्सन और दूसरे डॉग्स के साथ फ्रेंडली नहीं होते, इसीलिए पपी टाइम में इन्हें सोशलाइज करना काफी जरूरी है। एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स मिलते हैं, आपको अपने चिवावा का खास ध्यान रखना होगा। ये बड़े डॉग्स के साथ आसानी से लड़ाई शुरू कर सकते हैं और खुद को ही दिक्कत में डालेंगे। बड़े डॉग्स के लिए भी ये ब्रीड सबसे आसान टारगेट होगी। जब हम अपने डॉग को सोशलाइज करते हैं तब हम उसे मेंटल एक्सरसाइज भी दे रहे हैं, लेकिन चिवावा को कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी चाहिए। ज्यादा नहीं, लेकिन चाहिए। आधे घंटे की वॉक दिन में 2 बार इनके लिए काफी है। उसके साथ पूरे दिन में कभी भी आप इन्हें ओबीडियंस ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कि सेट डाउन स्टे और कम। चिवावा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इन्हें ट्रेन करना भी आसान होता है, जिसकी वजह से ये डॉग शोज में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब जितना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करवाना है, अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिस ब्रीड ने सबसे ज्यादा लोगों को काटा है वो पिटबुल नहीं है, वो एक चिवावा है। ये इसलिए क्योंकि एक फर्स्ट टाइम ओनर ने इस ब्रीड को सीरियसली नहीं लिया और वो भूल गया इसके साथ रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशंस क्रिएट करना। अब आप जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए ही मेरी प्लेलिस्ट है गेटिंग अ न्यू पपी गाइड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चिवावा का प्राइस डिपेंड करता है कि आप उसे कहां से और किससे ले रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी लोकल पेट शॉप से ले रहे हैं तो चिवावा का प्राइस स्टार्ट होगा 6,000 रुपीज से और वो जा सकता है 20,000 रुपीज तक। दूसरी तरफ अगर आप किसी ब्रीडर से ले रहे हैं तो चिवावा का प्राइस स्टार्ट होगा 20,000 रुपीज से और वो जा सकता है 30,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रीडर कितना रेप्यूटेड है, किस तरह की क्वालिटी वो आपको दे रहा है और किस जगह पे वो ब्रीडर सिचुएटेड है। ऑन एवरेज अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करें एक चिवावा को इंडिया में रखने का, तो वो होगा 3,000 से 5,000 के बीच में। अगर आप स्टैंडर्ड डॉग फूड देते हैं तो आपका महीने का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर प्रीमियम डॉग फूड लेते हैं तो वो थोड़ा बढ़ेगा। तो क्या आपको चिवावा पसंद आया? अगर नहीं तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए ताकि आप अपने लिए एक सही ब्रीड चुन पाए। और अगर आप और अलग अलग डॉग ब्रीड के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए।